बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो वेब्रामाइसिन कैप्सूल के हवाले से है कि आप अपने तीतर को जब उनको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या ठंड की शिकायत लगती है तो उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ, आप दोस्तों को बता भी चुका हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्त, काफ़ी शौकीन मेरे भाई एक गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वेब्रामाइसिन काम नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह वीडियो उसी हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वेब्रामाइसिन एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है तीतर के नज़ला ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए। अगर तीतर को अंदर ठंड लग जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। तो वेब्रामाइसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, मैं हर अपनी वीडियो में वेब्रामाइसिन के बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि एक कैप्सूल आपके 7 दिन के लिए काफ़ी है। और कैप्सूल को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। कैप्सूल का चौथाई हिस्सा, कैप्सूल को खोल लें, उसका पाउडर निकाल लें, उसका चौथाई हिस्सा ताज़ा पानी के अंदर आपने मिक्स करना है और 1 cc दिन में सिर्फ एक बार अपने तीतर को पिलाना है। गर्मियों में आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में दोपहर 1 बजे आप इस्तेमाल करवा सकते हैं वेब्रामाइसिन को। और काफ़ी दोस्त गलत तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि वो आटे के अंदर वेब्रामाइसिन को मिक्स करके वो अपने तीतरों को गोलियां बना के खिला देते हैं, तो जिस वजह से वेब्रामाइसिन काम नहीं करता, फार्मूला काम नहीं करता। जब तक आप लिक्विड फॉर्म के अंदर वेब्रामाइसिन अपने तीतर के मुँह में नहीं डालेंगे वो काम नहीं करेगी। अगर आप खुश्क आटे के अंदर पानी डाल के और आटे में गोलियां बनाकर अब वेब्रामाइसिन अपने तीतर को खिला रहे हैं तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। सही तरीका वेब्रामाइसिन के इस्तेमाल का वो यही है कि चौथाई हिस्सा 1 cc पानी में मिक्स करके अपने तीतर को पिलाएं ड्रॉपर के ज़रिए। अगर वो खुद पीता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पीता तो ड्रॉपर के ज़रिए अपने तीतर को पिलाएँ। इंशाल्लाह अगर उसको ठंड लगी हुई हो, अगर नज़ला ज़ुकाम हुआ और बुखार हुआ तो इंशाल्लाह वो फौरी तौर पर गायब हो जाएगा। वेब्रामाइसिन के इस्तेमाल से 3 दिन के अंदर, 3 दिन वेब्रामाइसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपका तीतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, आपके शेयर करने से मेरी बात किसी शौकीन तक पहुँच जाएगी और उसका फ़ायदा हो जाएगा। जब भी वेब्रामाइसिन का इस्तेमाल करें, चौथाई हिस्सा पानी में मिक्स कर अपने तीतरों को पिलाएँ, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।